हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने जे पैनल का कुछ मेथड्स के बारे में, जैसे कि सेट बाउंड्स को हमने सेट कराया था, और उसके बाद हमने क्या किया था, बैकग्राउंड को भी सेट कराया था और उसे हमें फ्रेम में ऐड कराए थे। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे ना, पैनल के अंदर बटन को ऐड करेंगे, जे लेबल को ऐड करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, पैनल को हम फ्रेम में ऐड कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उसके लिए पहले मैंने बता देता हूँ आपको, पिछले क्लास का प्रोग्राम को यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पिछले क्लास का प्रोग्राम को ओपन कर रखा हूँ, जो कि पिछले क्लास में मैंने फ्रेम बनाया था, और फ्रेम में जे पैनल को ऐड किया था, और जे पैनल के अंदर मैंने बैकग्राउंड और बाउंस को भी सेट कराया था। ठीक है, दैट्स ऑल राइट। अब मैं क्या करूँगा ना, पैनल के अंदर मैं बटन को ऐड कराऊंगा। तो आपको सबको पता है कि हम बटन कैसे क्रिएट करते हैं। तो बटन को क्रिएट करने के लिए आपको जे बटन का क्लास का जरूरत पड़ेगा, मतलब जे बटन बटन इक्वल टू न्यू जे बटन। ओके, जे बटन बटन इक्वल न्यू जे बटन, बटन का मैं तुम्हें पास कर देता हूँ क्लिक मी। ओके, और बटन के बाद अब मैंने बटन तो क्रिएट कर दिया, जे बटन बटन इक्वल न्यू जे बटन, और बटन का बाउंड सेट कर देता हूँ। और बटन में किससे में सेट कराना, पैनल में सेट कराना है। ठीक है प्रॉपर। अब मैं बटन का बाउंस को पहले सेट कर देता हूँ, फिर उसको बताता हूँ। बटन डॉट सेट बाउंस, सेम यहाँ पे ऐसे ही पहले तो मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लोकेशन आपको देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सिस एंड वाई हेड के लोकेशन यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो एक्सिस में 30 दे देता हूँ, एंड एक्स एक्स वाई एक्सिस से मैं 40 दे देता हूँ, वाइट में 100 दे देता हूँ, 100 नहीं 60 दे देता हूँ, 70 दे देता हूँ। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसका मैं जो हाइट के पोजिशन में 30 दे देता हूँ, 40 दे देता हूँ, ओके 50, सॉरी 50। ओके, तो हमारे बाउंड्स को सेट हो गया। अब मैं क्या करना है, बटन को हमें पैनल में ऐड कराना है। सिंपल, आपको कुछ करना ही नहीं, पैनल डॉट ऐड बटन कंपोनेंट, दैट मीन्स बटन। ओके परफेक्ट, हमारे यहाँ पे पैनल में बटन ऐड हो गया है। एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, एक बार मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। ओके, तो रन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पैनल के अंदर बटन ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बटन भी ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पैनल के अंदर मैं जे लेबल को ऐड कराता हूँ। ओके, तो सेम आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको जे लेबल क्लास को यहाँ पे कॉल कराना है। जे लेबल लेबल इक्वल टू न्यू जे लेबल। ओके, अब मैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, माई लेबल कुछ आपका मर्जी, आप जो डाल सकते हैं। माई लेबल यहाँ पे मैं जे लेबल में डाल देता हूँ। ओके, अब मैं माई जे लेबल का बाउंस को सेट कराता हूँ, लेबल्स डॉट सेट बाउंस। तो सेम यहाँ पे आपको मैं डाल देता हूँ, आपका एक्स एक्सिस से 30 पोजीशन में डाल देता हूँ, वाई एक्सिस से मैं क्या करता हूँ 40, 100 में डाल देता हूँ, 110 में डाल देता हूँ। ओके, वाइट में आपको यहाँ पे दे देता हूँ, वाइट में दे देता हूँ 100, 200 दे देता हूँ, 200 ज़्यादा हो जाएगा, 150 दे देता हूँ। ओके 150, एंड हाइट में दे देता हूँ यहाँ पे आपको 40 देता हूँ। ओके सॉरी 40 40 देता हूँ। अब मैं इसे पैनल में ऐड करता हूँ, लेवल सॉरी पैनल डॉट ऐड लेवल। ओके दैट्स परफेक्ट। अब मैं चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे हमारा माई लेवल शो क्रिएट हो गया। अब मैंने माई जो जे लेवल को बटन जे लेवल को कैसे कलर करते हैं, हमारा उसका फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट कलर को कैसे चेंज करते हैं, मैं सारा ये सब मेथड्स के बारे में पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो आप पिछले वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। पूरा प्ले लिस्ट भी आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसे फ्रेम में मतलब फ्रेम में हम जे पैनल को ऐड करा सकते हैं, और जे पैनल के अंदर बटन एंड माई ले जो लेवल्स को ऐड करा सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे मल्टीपल लेवल्स मतलब मल्टीपल पैनल्स जेफ्रेम में कैसे ऐड कराओगे। ठीक है, अब मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि मल्टीपल पैनल्स को कैसे आप जेफ्रेम में ऐड कराओगे। ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे मतलब बटन्स के थ्रू इवेंट को हैंडल करोगे, मतलब एक्शन लिसनर क्लास का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। पिछले नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि अब मल्टीपल पैनल्स कैसे ऐड करोगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।